नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। सीआईए और एक्साइज स्टाफ ने शराब तस्करी पर की बड़ी कार्रवाई। अलग अलग मामलों में शराब के बड़े जखीरे को बरामद किया गया। फतेहाबाद में शराब तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले एक पखवाड़े में पुलिस ने शराब तस्करी के 3 बड़े मामलों को पकड़ा है, जिनमें शराब तस्करों ने हजारों बोतल शराब बरामद की गई। बावजूद इसके शराब तस्करों में कमी नहीं आ रही है। शराब तस्करों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बीती रात कला क्षेत्र में एक घर में स्टॉक की गई हजारों शराब की बोतलों और बियर बरामद की हैं। सीआईए फतेहाबाद की टीम ने सूचना मिलने के बाद धारसूट क्षेत्र में एक घर में छापा मारा। छापे के दौरान सीआईए की टीम भी तस्करों के इंतजाम देखकर हैरान रह गई। शराब तस्करों ने शराब का स्टॉक करने के लिए घर में एक बड़ा टैंक बनवाया हुआ था, जिसमें हजारों बोतलों से भरी सैकड़ों पेटियां स्टॉक की गई थी। पुलिस ने इस छापे कार्रवाई में आरोपी के कब्जे से 73 बोतल बियर और 500 से अधिक पेटियां शराब की बरामद की गई। आयकर विभाग की टीम ने भी सिरसा रोड में एक कार में अवैध रूप से ले जा रही शराब सहित पकड़ा गया है। एक्साइज स्टाफ की टीम ने कार से शराब की 25 पेटियां बरामद की हैं। दोनों ही मामलों में अभियोग दर्ज कर रही है। ये इंस्पेक्टर कुलदीप फतेहाबाद, इनको इन्फॉर्मेशन मिली थी दारसुल कला के अंदर कोई रघुवीर नाम का आदमी है और उसने काफ़ी मात्रा में शराब छुपा के रखी हुई, जिस पर इन्होंने रेड की। तो उसके घर से ही नीचे ज़मीन में जो पानी का हम टैंक बनाते हैं, इस टाइप से उसने बड़ा टैंक बना रखा था और उसमें शराब छुपा के रखी हुई थी। तो इन्होंने वहाँ से जब उसको बाहर निकाली, चेक करी, तो करीब 512 पेटी तो हैं शराब देसी हैं तो 73 पेटी बियर। तो करीब जो है ना, इसने ये अपने घर ही रखी हुई थी और उसके हिसाब से, डिमांड के हिसाब से जो आ गए है ना, कभी पेटी दो पेटी उस टाइप से ये सप्लाई करता। इसने अभी बताया है कि इसने 350 पेटी जो है ना, तो कुछ तो पहले की रखी हुई थी, 350 पेटी अभी 3-4 दिन पहले कोई इशार एरिए का कोई है नाम, उसका राजा नाम ले रहा था, उससे इसने मंगवाई थी, तो वो दे के गए इसको। किस मामले का दर्ज किया गया? ये एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है इसमें और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। कब से ये तो पुराने टाइम से ही शराब बेच रहा है। मुखबरी के आधार पर सभी इन्फॉर्मेशन मिली थी। हाँ, टोहाना में इसके खिलाफ है मुकदमे दर्ज पहले। किस मामले में? एक्साइज एक्ट में। कितने मामले हैं? नहीं, ये कंफर्म अभी नहीं है, मैं मंगवाया हुआ है। और भी कोई शामिल है इसमें? नहीं, ये अकेला ही था। कर तो क्या सर, बिल बुल वगैरह थे इसके? भैया नहीं, कुछ भी नहीं है, इलीगल है, अवैध।